छठे इमाम का ज़माना था, एक मौला का साहबी दौड़ा दौड़ा आया, कहा मौला आपका एक चाहने वाला है, उसे सिपाही पकड़ के दे गए और उसे सजाए मौत सुना दी है। इमाम ने कहा क्या किया? कत्ल किया? कर नहीं मौला। चोरी की है? नहीं मौला। किस गुनाह में? कहा मौला हमें भी समझ नहीं आई, गुनाह ये था कि वो रास्ते से जा रहा था, अचानक जमीन पर गिरा, जैसे जमीन पे गिरा तो उसने आपकी दादी के कातिल पे लानत डाली। सिपाहियों ने सुन लिया, उस जुर्म में उसे पकड़ा, सजा मौत सुना दी। इमाम ने मुसल्ली इबादत पे छाया और हाथों को बुलंद किया, गए खुदा तुझे वास्ता मेरी दादी से राह कर, इसके बच्चे हैं, इसे आजादी मिल जाए। मौला का साहबी कहता है चंद दिन गुजरे वो आजाद हो गया, मैंने उसे बताया ऐसे आजाद नहीं हुए, तेरे हक में फर्जंद जहरा ने दुआ की। थोड़ा थोड़ा इमाम के घर आया, मौला से मिला, मौला इसने कदम बोसी की, माँ का शुक्रिया अदा किया। इमाम ने इसे बिठाया, जमा ये बता इतने लोग दुनिया में जमीन पे गिरते हैं, चोटें आती हैं, कोई भी मेरी दादी के कातिल में तो लानत नहीं, तूने क्यों लानत की, वजह क्या थी? ये जमा रोने लगा, कहा मौला जब जमीन पे गिरा ना चोट मेरे पहलू में, मौला पसलियां टूटी नहीं थी, चोट आई थी, उठने में इतनी तकलीफ हो रही थी, सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, अचानक मुझे आपकी बात याद आ गई कि आपकी दादी की पसलियां तोड़ ही गई। मौला मैंने दिल ही दिल में कहा जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो नबी की बेटी को